हेलो माय प्रिटी वूमेन। तो आज मैं आपके लिए जो प्रोडक्ट लेके आई हूँ वो हर गृहिणी की ज़रूरत है ऑलमोस्ट, क्योंकि हम जिन जिनको मेहंदी लगानी नहीं आती है उनको हमेशा ये दिक्कत पड़ती है कि भाई पार्लर जाना पड़ेगा अगर इमरजेंसी में मेहंदी लगानी है, या कहीं हम लोग गए हैं जहाँ हमको मेहंदी लगानी नहीं आती है। तो ये स्टिकर बहुत सही प्रोडक्ट है, मुझे अमेज़न पे ये मैंने देखा था, मुझे काफ़ी सही लगे तो मैंने एक स्टिकर मंगवाया है। और इस स्टिकर का नंबर जो है 1051 नंबर है। इसमें मुझे 8 स्टिकर मिले हैं, जिसमें से सारे ही स्टिकर जो हैं वो बेल की सेप के हैं और काफ़ी अच्छे, मतलब सारी डिज़ाइनें बहुत ही अच्छी थी, एक से एक खूबसूरत डिज़ाइन थी। जिसमें से मैंने पहले ये वाली सिलेक्ट की, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रही थी मैं कैसे लगाऊं, क्योंकि इसको लगाना भी एक बड़ा ही अलग ही एक टास्क है, क्योंकि इसको लगा पाना इतना आसान नहीं है। फिर मैंने ये दूसरा वाला स्टिक कर लिया, ये मुझे समझ में आया, तो पहले मैंने इसको काट के इसको इस तरीके से सेट कर लिया अपने हैंड पे, उसके बाद फिंगर्स पे भी लगा लिए। उसके बाद ये मैंने मल्टी कलर की चाइना मेहंदी जो पहले मंगवाई थी, इसका भी मैंने एक रिव्यू वीडियो दिया था, ये काफ़ी अच्छी, मतलब आपको लगा के और एक दो दिन स्टे करती है ये मेहंदी भी, काफ़ी सही मेहंदी है। फिर मैंने इस मेहंदी से इसको अच्छे से फिल किया, इसको अच्छे से फिल करने के बाद मैंने, आप देख सकते हैं ये मुझसे फिल उतना ब्रश से हुआ नहीं, मैंने फिंगर से किया तो आजू बाजू लग गई, मतलब इसको, मतलब आपको थोड़ी प्रैक्टिस आपको चाहिए ही चाहिए है इसको लगाने के लिए। फिर थोड़ी देर ट्राई करने के बाद मैंने स्टिकर को निकाला, स्टिकर को निकाल के आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी मेहंदी लग गई है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रही है। मैंने इसको अच्छे से निकालते निकालते ये स्टिकर फट ही गया है, आप सोचोगे ये एक बार से दो बार नहीं, ये एक ही बार यूज़ होगा ये स्टिकर, एक बार से दोबारा ये स्टिकर यूज़ आप नहीं कर पाओगे। और अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक और प्राइस सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, क्योंकि अभी इसका प्राइस मुझको याद नहीं आ रहा, लेकिन ये काफ़ी सस्ता था, बहुत महंगा तो नहीं था, बहुत सस्ता था। उसमें भी 8 आपको स्टिकर्स में मिल जाते हैं। फाइनल रिजल्ट देखिए फ्रेंड्स, इसमें फिनिशिंग इसलिए नहीं आई कि मैंने गलती कर दी थी कि मैंने फिंगर से लगाया तो आजू बाजू जो है ना वो लग गया था, अगर इसको अच्छे से फिनिशिंग के साथ लगाएंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगी, और ये अभी भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट एकदम 100% पास है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट।